शंभू दी तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो ते इस टाइम असीं जिथे खड़े हां उत्थे कौम की सिरमौर संस्था SGPC वालों भी अपने जो उपराले किए जा रहे हैं तो उस उपराले तहत वो लंगर लगाए गए हैं। जे आप करोना काल वेले की गल कर लिए अज के बॉडर की गल करिए पिछले 2020 या 2021 के अंदोलन की गल करते हैं जिथे वक्खो वक्खरे लोगों ने NRI भैन भरावान ने अपना वड्डा योगदान पाया उत्थे कौम दीआं वड्डीआं सिरमौर संस्थावां ने एक वडमुला योगदान पाया सी क्योंकि फर्ज हुंदे आपो अपने ये फर्ज पछाणदे होए SGPC वल्लों उपराला किया गया जिथे कि उन्होंने अपनी टीम भेजी आ डॉक्टरी टीम भी नाल चलती है तो नाल प्रशादे पानी का लंगर भी चल लिया वीरां नाल गलबात करांगे क्योंकि कल जो गुरप्रीत सिंह झब्बर SGPC मैंबर साहबान सानू मिले तो जो गलबात की उपराले किहो जिहे किए जा रहे हैं वो कहिंदे कि किसी तरह की भी लोड़ होगी किसान भरावां नू असीं नाल खड़े हाँ तो SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जी दीआं विशेष हदायतां ते कहिंदे असीं जो भी कर सकते होए वध तों वध लोगों के नाल खलोवांगे क्योंकि जदों सिरमौर संस्थावां तुहाडीआं नाल होण आवाम नाल होवे तो दूजे पासे बेशक हाकम होवे सरकार होवे उदों जिहड़ी जंग आए ये जितनी बड़ी आसान हो जाती है क्योंकि भुखे ढिड ते कहिंदे जंग वी नहीं लड़ी जाणी ना सवेर दे शाम दुपहर दे टाइम जां रात दे समय जिथे वक्खो वक्खरे तौर ते प्रशादा पाणी मिलदा तैयार ते नाल नाल फ्रूट दे लंगर हुणे छोटी जिही बच्ची सी 8 साल की खुशी तो खुश भी सी खुशप्रीत ते नाले कहिंदी कि 3 पीढ़ियां मेरे नाल चलियां होईयां कहिंदी मैं मेरा बापू मतलब कि दादा जी तो उहदे पापा ते चाचा कहिंदे 3 पीढ़ियां वो अपना प्रसाद लैके इत्थे केलियां दा लंगर लैके पहुँचे सी उत्थे ते नाल नाल संतरे वरता रही ते खुश भी सी। हुण पुछिया गया आई कित्थे आ कहिंदी किसानी अंदोलन च आई आ जदों जज्बे 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चों के हो तो फिर ये आसान हो जाते हैं। ये कोई लड़ाई जो आप जो जंग की गल करते हैं ना ये जंग नहीं गी जंग अपन के नाल आ जंग इदा की बन गई है कि एक पासे हाकम धेरा हाकम मीनज कि जो देश का हाकम आ तो दूजे पासे आवाम आ जी आवाम को वोटा लिया एक पासे वो खलोती है। मतलब SGPC मैंबर साहबान वीर साढ़े नाल गलबात करते हैं जी गुरफतेह सांझ करते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी कृपा दया महाराज जी मेहर है। मेरा नाम राम सिंह सेवादार गुरद्वारा दुखमार साहब पटियाला असी जिस दिन तो यह संघर्ष विद्या उस दिन तो लंगर लैके इतने हाजर हाँ दवाइया का लंगर प्रशादे का चढ़ती कला उदा जिस श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अगर सू कूच वास्ते भी संदेशा आऊगा कई लोग कहने टास्क फोर्स किसे है वो साड़ी टास्क फोर्स भी जाऊगी जिस तरह का सानू हुक्म आऊगा असी जंग के मैदान लड़न लिए भी तैयार हाँ। 20 रुपये का चलाया बाबे नानक का लंगर दुनिया तो चलता रहूगा किसी चीज़ की उरे घाट नहीं किसी के अंदर यह नहीं है भी जोड़ा जज्बा आ भी मैं पिछे हटना नहीं आ नौजवान मुंडे आए ने साडे बच्चे आए ने भाई साहब के बच्चे आए ने अगे जाके देख के आए ने गल ये भी ये कल्ली किसानां दी लड़ाई भी नहीं हैगी ये जे मजदूर कहण उन्हां दी भी लड़ाई आ वो किवें आ वो किसी फिर छोटी जी दुकान तो राशन लैने जाएंगे वो बड़िया दुकाना तो जाएंगे जिमें कि पाकिस्तान के आटे का की रेट है प्याज का की आ हाल इस मोदी सरकार ने कर देना है। ये जंग कल किसानों की नहीं मजदूरों की भी है सारे कट्ठे होकर हंबला मारन जिथे जिथे बार्डर ने पहुँचने की कृपालता कर बेनती करद संगत रूप के भी वह पहुँचने की कृपालता कर जंग का मैदान ता ही सारे तो एकता नाल लड़िया जाऊ पंच प्रधानी के रूप के लड़िया जाऊ जिमें पहला गुरमते सिंह करते होंगे पुराने समय के उस दे हिसाब नाल यह जंग लड़िया जाऊ और सारे ने इकट्ठे होकर यह जंग लड़ना पड़ेगा ये किसी कल्ले दा जंग नहीं है। अगले वास अगले समय के जे ये मोदी धिर आ गई तो तुहाडा देश खत्म है इहनू बचा लो ये होंद की लड़ाई है जिमें दीप सिद्धू बाई कहना हुंदा सी ना ये तुहाडी होंद की लड़ाई है इनू बचाने की कोशिश करो समझो पहला गल नू समझ लो दा जिक्र छेड़िया तो एक नौजवान अमृतपाल की गल करिए उन्हें 5 दिन तो जिते कितने प्रशादा पानी ना चल रहा पता लगा कि 5 दिन तो भुख हड़ताल रखी हुई है डिब्रूगढ़ जेल के भुख हड़ताल रखने का कारण की सी कहिंदे उहदे कमरे के CCTV कैमरे सरकार वालों लगवा प्रशासन वालों ला दिए जाते की लगता ये कार्रवाई सारा कुछ ठीक हो रहा नहीं ये सिखां ते जिहड़ी भी सरकार आई वह तसद्दत करती रही है अज की थोड़ू मीर मन्नू दे भोरियां तो ला के सिख कौम इस दे नाल ये तो टाकरा करती रही है कोई अज का नहीं है जिहड़ी भी सरकार आई है उन्होंने सिखा दे नाल आ के तो मतलब पंगा लिया ही है जबरे कीते ना जोरू जुर्म की लड़ाई तो करते रहते हैं सिख तो वैसे इन्हां नूं चुभदे ने। दूसरी गल है जे राज भाग की गल करन तां महाराजा रणजीत सिंह का राज एक बहुत वड्डा राज सी
महाराजा रणजीत सिंह का राज बहुत बड़ा राज सी। ये असी राज भाग भी भोगे हुए ने। जिन्हां दे मन च कोई शक है साढ़े नौजवान मुंडिआं नूं राज दे देण, करके दिखा देंगे। किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं आऊ, किसी को कोई धरना लाने की लोड़ नहीं पऊ। ये राज छड़ देण, सानूं छड़ देण, राजसत्ता सानूं छड़ देण। गुरु आसरे होजू, पंथ आसरे सारा कुछ होजू। पंथ है जिहड़ा, सारा कुछ कर सकता है। तो अकाल तख्त साहब सर्व तो उच्चता साडी जथेबंदी है। सानू अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं देश का सारा बांगडोर प्रधानमंत्री बना देना। रोड़े नहीं कुछ भी करन दी, किसी ते कोई दुख नहीं आऊ, किसी बेटी ते किसी। महाराजा रणजीत सिंह राज की गल करते हैं, जिहड़े उस राज दे गुरु साहब कृपा करन, जे बाणी बाणे का धारनी साडा जथेदार होगा, क्यों नहीं आऊगा। इतिहास तो साढ़े को प्रवान पिया ना, जे असी इतिहास में मुतकर नहीं कर सकते तो साढ़े को प्रवान तो पिया ना। हाँ, उहदे हिसाब नाल तुहानूं असी राज महाराजा रणजीत सिंह दे राज की गल ताइयों कीती है ना, भी जे साडा जथेदार कायम हो काली फूला सिंह वर्गा तो हो जूगा। कोई बड़ी गल नहीं, कोई बहुत बड़ी गल नहीं, हो जूगा। ठीक हो तुसीं? चढ़दी कला, चढ़दी कला जी। गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पटियाला जी। दुख निवारण साहब तो किवें दा चल रहा? बहुत वधिया चल रहा है, लगातार चल रहा 24 घंटे। प्रशादा भी चलता, चाह भी चलती है, तो मैडिकल का भी नाल चल रहा है। हाँ जी, साढ़े प्रधान साहब सालों दिशा निर्देश ने लंगर के 24 घंटे। जे किसान अगे दिल्ली वाल वधणगे तो लंगर भी अगे बिल्कुल नाल चलेगा, नाल बिल्कुल नाल चलेगा। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, ठीक है। हाँ जी, बहुत वधिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत वधिया। फतेहगढ़ साहब तो देखते हो, फतेहगढ़ साहब तो अरदास बेनती हो के असं दोनों की शुरुआत होंगी है, तो उधर अकाल तख्त साहब की गल की वीर ने, तो अकाल तख्त साहब तो अरदास बेनती हो के एक धड़ा उतों निकलता तो दूजा फतेहगढ़ साहब अरदास बेनती। कल देखते हैं भाई, 11 बजे कुछ करते हैं। प्रशादे की सेवा चल उधर चल रही है थोड़ गई उधर। हाँ जी, साढ़े लंगर चल रहा थोड़ गए, तैयार नहीं बाबे ने लेना है जी। हाँ जी, साढ़े ही है जी। SGPC जी हैगी सिखा की जमात आ, तो लंगर हर एक थे लाई है ना। ये सरमौर संस्थावां जिहड़ियां होंदियां ना, जदों नाल चल पैण फिर तो फतेह इक्को है जी, सारा इक्को जी। हाँ जी, हाँ जी, बाबे नानक का जिक्र किया, 20 रुपए के लंगर की गल हो रही है। 20 रुपए के लंगर के नाल जिते ये सवावा, एक रिया तस्वीर साझी कर दिओ। ये भी SGPC वालों का उपराला किया गया वा, उधर डॉक्टरी टीम भी बैठी हुई है। हाँ जी, हाँ, अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं बेनती करांगे भी वो पंथ की सरमौर संस्था के अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, वो हथ बन के सारी कौम नूं बेनती करन, सारे बार्डर से पहुँचने की अपील करन, क्योंकि जथेदार साड़ी सरमौर सरमौर ने, जथेदार सिंह साहब साढ़े सरमौर ने, उन्हां दी जिहड़ी आवाज़ है, नौजवान बच्चे बच्चियां पंथ उन्हां दी आवाज़ सुनूंगा। एक आवाज़ हुंदी है जी, उत्थों सुनेहा आ जाए तो पंथ मानदा गा, पंथ नूं हुक्का देण, पंथ नूं आवाज़ मारन, ते पंथ इस जंग लड़न लई तैयार होऊगा। मैं सिंह साहब नूं बेनती करदा सत्कारयोग ने कि तुसीं अकाल तख्त साहब तों कि संदेशा दे दो कौम नूं, इधर नूं कूच दिल्ली नूं कूच करन दा, दिल्ली कूच करन दा। और फतेह होजू, अकाल तख्त साहब की चढ़ती कला रही है और चढ़ती कला होजू। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। होर वीर साढ़े नाल गलबात करते, होर जी चढ़ती कला चो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। पिंड कामी खुरद जिला पटियाला, हाँ जी, सेवा कर रहे हैं किसानों गल, सारे मजदूर गल, सारे ने मोदी ने बहुत गलत काम करया, जिहड़ा किसान मजदूर गल धक्की हो है नी, बार्डर बना दिया इसका, बाकी बहुत सारी चीज़ा महंगा। बॉर्डर के वाहे दल्ला होंगे, कदे वागे दी गल्लां हुंदियां सी, अज शंभू दी गल्लां ते खनौर दी पूरी ला दी। हाँ, लगो कर दी पंजाब जणे किस्म का। हाँ, ठीक है जी। एक समा सी जदों 1947 देश की वंड हुंदी आ, ते देश की वंड वेले पंजाब चीरिया जांदा वा, पंजाब की हिक चीर दित्ती जांदी आ, उस तों बाद वाघा होण दे विच आया माझे दे विच, ते अजे भी शामां नूं उह रस्मां वेखण वास्ते लोग पहुँचदे आ, ते अज शंभू दी गल्लां हुंदी, अज खनौर दी गल्लां हुंदी, इत्थे भी लोग उस तरह पहुँचदे आ, कोई फल फ्रूट लै के तुर पैंदा, कोई अपने बच्चों विखा आ कि आज अंदोलन लड़े कि जाते हैं। वो देश की वंड की लड़ाई सी, तो ये देश के दे हाकम लड़ाई आ, तो हाकम लड़न वाले लोग कौन आ, अपने देश के दे बछिंदे आ, किसी विरोधी धिर की लड़ाई नहीं हैगी। हाँ, जंग का नाम जरूर दिता जा रहा वा कि यह जंग आ, ये कोई हिंद तो पंजाब का जंग नहीं होने लगा, तो फौजा जिमें कह कि फौजा दोवें पासे भारियां ने, जो उधर की गल करिए तो मैदान च तो भी डटे हुए आ, पर इधर जो गुरु साहब की कृपा वा, जो न्यारापन दिखाई दे रहा तुहाडे सामने आ, जो शंभू तो तुरदे आ ना, तो शायद वो प्रशासन तो वेट करनी पैंदी होगी कि इन्ने घंटे बाद साडा प्रशादा पानी आना, तो वह भी कुछ तस्वीर सामने वायरल हुई कि वह भी गुरु घर के उत्तों ही। हरियाणे के हरियाणा कमेटी वक्री हो जाती है, तो अज जो गुरु धामा कब्जा वा
ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨਿਭਾਓਗੇ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ इत्थे सारियां जिहड़ियां बेसिक मेडिकल्स मेडिसिन्स ने प्लस इन्फेक्शन वास्ते ते बाकी अगर किसी नूं स्पैशलिस्ट एड चाहिए वह भी हैगी हैगी है मतलब कैजुअलिटी अगर कोई हुंदी इमीजिएट उहदे वास्ते हैगी है कोई इमीजिएट जिवें कोई ट्रॉमा आंदा उहदे वास्ते भी हैगी है साडे कोल सारी मेडिकेशन दा चल रहा है लंगर यह चल रहा है एक हफ्ता हो गया है हाँ जी तुसीं कीड़ी जगह तों अमृतसर तों हाँ जी पहले दिन तों ही इत्थे तुसीं नहीं साड़ियाँ बदल बदल हाँ जी बदल दिया रही ने दे रहे हो सर मेडिसिन दी सारियां हाँ जी संगत आ जाती है सारा दिन डेली दी डेली 500-700 पेशेंट आ जाता श्योर है क्योंकि सवेरे मॉर्निंग 9 बजे तो कैंप शुरू होता है तो शाम तक प्रॉपर लगता है टाइमिंग रखी हुई है कोई शाम का भी नहीं कोई क्लोजिंग टाइम कोई नहीं लागे वाह जी वाह इत्थे केवल जिवें दिल्ली दे विच सी ना केवल अंदोलन वाले ही नहीं इत्थे आंढी गुआंढी भी जिहड़े हैगे आ लोक इत्थे हुंदे उह भी आण के प्रशादा पाणी ते नाल नाल जिहड़ा दवाइयां दी लोड़ पैंदी आ उह लै के लैण वास्ते पहुँचदे आ आजो अगली तस्वीर तुहानूं दिखाउंदे आ क्योंकि कोशिश करदे आ अज जिहड़े रस्ते दे विच लंगर लगे होए आ उहनां नाल संगत नाल गलबात होवे विचारां दी सांझ होवे उस की सोचदे आ लोक कित्थों कित्थों आण के इत्थे लंगर ला रहे उहदी तस्वीरां सांझियां करदे आ चाह ते बिस्कुट दा लंगर हाँ जी हाँ बहुत वधिया जी कि जगह तो ये पिंड रुड़का तो जी हाँ जी कितने दी सेवा कर रहे हो जिदन का अपने धरना का अपने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारा दिन चलती चाह पानी जी हाँ जी हाँ जी सारा दिन चलती है जी ठीक है जी हाँ जी ठीक है जी नाम जी बाबा जी थोड़ा कृपाल सिंह नागराज जी कृपाल सिंह जी किवें वेखदे इस अंदोलन कल की अगली तैयारी भी दसी जा रही है गांव वधना हाँ जी अगे ही वधेंगे जी ज्यादा इन्होंने कोई समझौता ही नहीं करते हैं कोई गल नहीं करते हैं फिर तो अगे बदना ही बदना सारे जिम्मेदार औखे हो बैठे हैं बाबा जी कहते कि अगे वधांगे असीं क्योंकि जो साड़ियां मंगा नहीं मनिया जा रही तो वह टाइम भी थोड़ा लागे आता जा रहा क्योंकि 21 तरीक तो 11 बजे का समा अगे वधन की गल हो रही है अगलिया तस्वीर भी नाल सांझियां करदे आ क्योंकि जिते जिते भी लंगर प्रशादा चल रहा जिते जिते दवाइया के लंगर चल रहे नाल नाल सेवावां चल रही वो जिक्र तुहाडे सामने लैके आ रहे हैं तो ये शंभू की तस्वीर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਮ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ